रहमान रहीम रबी शरी वैसदी वलीफ़ अजमान ज़फ़र इकबाल एस्पायरियल से के प्लेटफॉर्म से हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, इस्लामाबाद के नज़दीक तरीन जो हिली एरियाज़ हैं, जो स्पेशली मरगला की जो पहाड़ियाँ हैं, मरगला का जो एरिया है, वहाँ पे एक प्रोजेक्ट है पाइन सिटी, और इसके वजह से ऑलरेडी मेरी कुछ 6-7 वीडियोज बनी हुई हैं, उनके और काफ़ी सारी डिटेल्स में ऑलरेडी आपके साथ शेयर भी कर चुका हूँ। आज उसी प्रोजेक्ट के अंदर कुछ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स यानी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बन रही हैं, जो ग्राउंड प्लस 5 और ग्राउंड प्लस 6 वगैरह की बिल्डिंग्स हैं, उनके वाले से मैं आपके साथ आज कुछ डिटेल्स शेयर करने जा रहा हूँ। जब लास्ट मैंने विजिट किया था तो उसके वाले से मैं ऑलरेडी एक वीडियो भी बना चुका हूँ, और उसमें मैंने पाइन वुड रेजिडेंशिया की एक कम्प्लीट वीडियो बनाई थी कि जिसके अंदर वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, अंदर का जो कंडीशंस इस वक्त हैं, वो सारी मैंने उसके अंदर उस वीडियो में कवर करने की कोशिश की। और आज की जो वीडियो में हम पाइन वुड रेजिडेंशिया को स्पेशली देखेंगे, इसके साथ साथ मैं आपको पाइन सनसेट और पाइन वुड रिजॉर्ट्स की जो बिल्डिंग्स हैं उनके बारे से भी शॉर्ट से ब्रीफिंग दूंगा। तो इस पर बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक इन टाइम पहुंच सके। तो नाज़रीन, आइए चलते हैं, मैं आपको अपनी एलसीडी स्क्रीन के ऊपर लेके जाता हूँ। यहाँ पे जो मैंने उस दिन वीडियो रिकॉर्ड की, वो वीडियो पहले सारी आपके साथ में शेयर करता हूँ। उसके अंदर जो डिटेल्स मैं उनमें बता सकता हूँ, बताई होंगी, वो आपको बताता हूँ। बाकी मैं उसके बाद आपके साथ डिस्कस करता हूँ इसके बारे से सारी डिटेल। तो आइए हम चलते हैं, इस वीडियो को देखते हैं। ये पाइन वुड रेजिडेंशियल की बिल्डिंग है, ऑलमोस्ट फिनिशिंग के स्टेजेस के ऊपर है ये। सीलिंग अपार्टमेंट तकरीबन ऑलमोस्ट फिनिशिंग की स्टेजेस पे है। ये वॉशरूम इसके साथ, यहाँ पे सीलिंग वगैरह भी होनी है इसकी। और व्यू आपको यहाँ से आउट क्लास व्यू मिलेगा। ये हम गैलरी में जा रहे हैं और यहाँ से गैलरी से आप व्यू देखिए, वैली का व्यू, खूबसूरत ब्यूटीफुल व्यू है। और ये साइड आपकी हिल टॉप आ जाती है। ये सामने पाइन वुड की बिल्डिंग बनी, पाइन वुड रिजॉर्ट की, और ये हिल टॉप इसका। ये नीचे कॉटेजेस वगैरह जो बने हैं यहाँ पे, आप ये देख सकते हैं, मैं जूम कर रहा हूँ।
एक अपार्टमेंट, ये साथ इसका जो वुडवर्क हुआ है और सीलिंग का काम भी ऐसे ही। इसके अंदर आप ये बाथरूम इसके देख सकते हैं, बाथ का जो काम टाइलिंग वर्क पर हो चुका है, बाकी भी काम होना है। बड़ा बाथरूम है और ऐसे ही ये गरम देखिए, यहाँ पे सीलिंग वेयर इसकी, मैं ये टेरेस के ऊपर गैलरी पे जा रहा हूँ और गैलरी से आप इसका व्यू देख सकते हैं। जी आइए गैलरी अगर आप देखें यहाँ पे, ये ऑलमोस्ट 10-12 फुट की गैलरी है। इससे वो अपार्टमेंट बन चुका है, ये नीचे काटेज है ना कच्छ पे? जी जी वो काटेज है, इधर काटेज है और इधर वो विलास बने हैं कनाल वाला। यहाँ से पाइन वुड की बिल्डिंग नजर आ रही है देखो सामने, ये पाइन वुड की बिल्डिंग। ये सारा गैली व्यू, ये सनसेट व्यू के साथ ये इसके साथ बात खोल दे, मैं इसको बना दूँ। ये जो अलमारी वगैरह बनी हुई है इसके अंदर भी आप काम देख सकते हैं, माशाल्लाह ठीक किया है, अच्छा काम किया हुआ है। तो नासिर ये जो भी अभी तक मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये पाइन वुड रेजिडेंशियल जो है उसकी बिल्डिंग को दिखाई मैंने। यहाँ पे 3 अपार्टमेंट्स डिफरेंट साथ साथ थे, उनके अंदर क्या कंडीशन थी वो मैंने आपको साथ दिखाया। अब मैं आपको जो पाइन सनसेट की बिल्डिंग है वो दिखाने जा रहा हूँ। ये पाइन सनसेट की बिल्डिंग जो है ना बन रही है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है और फिर इस साइड के ऊपर आप ये सामने देख सकते हैं मस्जिद, ऑलमोस्ट काम इसका हो चुका है। ये जो पाँच सांसा की बिल्डिंग है इसके अभी तक 2 फ्लोर पड़ चुके हैं, तीसरे फ्लोर की शटरिंग वगैरह हो चुकी है, अभी इसको टाइम लगेगा। और इसी तरह से अगर मैं पाइन वुड रिजॉर्ट की बात करूँ तो वो थोड़ा सा मैं दूर से आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि उसके करीब में जा सका, लेकिन जो हमने वहाँ पे देखा उसका ग्रे स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट है, वो मैं आपको जूम करके भी डिफरेंट एंगल से मैं दिखा रहा हूँ। पहाड़ बेचना आसान नहीं है जो मिसाल अंदर। ये पाइन वुड रिजॉर्ट है और इसके साथ भी ये भी पाइन वुड की ही बिल्डिंग बन रही है। और ये एक विला बना हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी, ऐसे ही ये वाला भी विला आप देख सकते हैं यहाँ पे बना हुआ है। इससे ऊपर अगर आप जाके देखेंगे तो ये भी विलास बने हुए हैं, ये सारी ए जो फेज़ 1 के अंदर बने हुए हैं। ये ऐसे ही आप इस साइड पे देखिए, ये सामने आपको नज़र आ रहे हैं जो ये सारे फेज़ 1 के बने हुए हैं जो।
तो उसका ग्रे स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट है और इसकी इंटरनल जो ब्लॉक वर्क है आई थिंक उसके ऊपर काम हो रहा है। लेकिन सच्ची बात है मैं उसकी तरफ नहीं गया, जो पाइन रोड रेजिडेंशिया है वो मैंने आपको के अंदर के जो भी काम था वो मैंने आपको दिखाई। सोना सिंह, ये जो पाइन सिटी के अंदर डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं, जैसे पाइन वुड रिजॉर्ट है, पाइन वुड रेजिडेंशिया आ गया, पाइन सनसेट वगैरह आ गया, इनके अंदर इस वक्त अगर मैं देखूँ तो हमें बुकिंग के अंदर बहुत कम चांस है कि मिले। एक छोटा सा चांस बंद है इसलिए कि चंद अपार्टमेंट पाइन सिटी वालों ने कुछ तो वो कैंसल्स किए थे क्योंकि उन्होंने बुकिंग करवाई और दो तीन साल हो गए लेकिन उन्होंने कोई अपनी इंस्टॉलमेंट नहीं करवाई हुई थी तो उनके अपार्टमेंट्स उन्होंने कैंसिल किए हैं, तो वो वाले हमें बुकिंग के अंदर मिल सकते हैं। लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं कि हमें रीसेल के अंदर मिले, तो रीसेल के अंदर अगर हमें कोई अपार्टमेंट मिलता है तो वो भी होगा इंस्टॉलमेंट के ऊपर ही, तो उसका प्रोसीजर ही होगा कि आपने जो उस ओनर ने जितने डाउन पेमेंट जमा करवाई होगी वो आपने पे करनी है, जो उसकी इंस्टॉलमेंट पेड हैं वो आपने अमाउंट पे करनी है, ये तो उस ओनर के आपने पे करना है, प्लस उसके ऊपर जो अपना ओन चार्ज करेगा, क्योंकि यहाँ पे ओन के ऊपर चीज़ें मिल रही हैं, तो जो भी उस ओनर का ओन चार्ज करेगा ये तीन चीज़ें आपने उसको पे करनी हैं। और उसके बाद पाइन सिटी में आपकी ट्रांसफ़र के लिए केस अप्लाई किया जाएगा, तो उसके अंदर ट्रांसफ़र चार्जेस कुछ हैं, नॉमिनल चार्जेस हैं वो पे करने हैं। इसमें मुमकिन है जब हम रीसेल के अंदर जाएंगे तो हम आपसे सर्विस चार्जेस भी इसमें लेंगे, जो नॉर्मल रूटीन की सर्विस चार्जेस होते हैं वो हम आपसे चार्ज करेंगे, और अगर आपकी बुकिंग के अंदर हमें चीज़ मिलेगी तो फिर हम आपसे सर्विस चार्जेस नहीं चार्ज करेंगे। तो नाजिम, पाइन सिटी के बारे से आप कुछ भी जानना चाहें, अपार्टमेंट्स के बारे से, अपार्टमेंट आपको रीसेल में चाहिए, बुकिंग में चाहिए, आपको किनाल की जो कटिंग है हमारे पास, एक किनाल, दो किनाल, चार किनाल की जो कटिंग है फेज टू के अंदर, उनमें अगर आपको कोई ऑप्शन चाहिए, फिर पाइन सिटी के अंदर पाइन कार्टेजेस भी हैं, उसके बारे में एक अलग से वीडियो भी बनाने लगा हूँ, तो पाइन कार्टेजेस के अंदर भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, उसमें भी अगर कुछ चीज़ चाहिए तब भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और फेज़ वन के अंदर चूँकि अमीसर के अंदर हैं तो उसकी प्राइस वेरी कर रही होती है, लेकिन जो फेज़ टू के अंदर हम इंशाल्लाह आपको एक बड़ी अच्छी कम्पिटिटिव प्राइस के ऊपर हम आपको एक कनाल, दो कनाल या चार कनाल की जो लैंड है, फार्म हाउसेज की लैंड है, वो हम आपको अच्छे कम्पिटिटिव प्राइस के ऊपर, अच्छे रेट्स के ऊपर हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो नाजिर, जो भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आप हमारे ये व्हाट्सएप नंबर है इसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपसे मैं अगेन रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए। आप सब दोस्तों का देखने सुनने के बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।